Hi everyone, welcome to our YouTube channel Simran's Chemistry class. So today our topic is Neff reaction, जो कि एक बहुत ही important name reaction है. सबसे पहले बात करते हैं कि Neff reaction में होता क्या है. इसमें carbonyl compounds की formation होती है. So Neff reaction में formation of carbonyl compounds होता है. Formation of carbonyl कंपाउंड्स. नेक्स्ट बात आती है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स किससे बनते हैं. तो नेफ रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं फ्रॉम नाइट्रो एल्केन्स राइट. तो अब हम बात करते हैं रिएजेंट की. तो कार्बोनिल कंपाउंड इज अ प्रोडक्ट, नाइट्रो एल्केन इज अ रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएजेंट. तो इसमें हम ऐड करते हैं, सबसे पहले एक बेस ऐड करते हैं फर्स्ट स्टेप में, एंड देन सेकंड स्टेप में हम ऐड करते हैं इसमें एसिड. नाउ बेस कैन बी एनी बेस एंड एसिड कैन बी एनी एसिड, बट द थिंग इज कि पहले स्टेप में बेस होना चाहिए, सेकेंड स्टेप में एसिड होना चाहिए राइट. अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट की. सो हमें पता है रिएक्टेंट है नाइट्रो एल्केन राइट. सो नाइट्रो एल्केन फर्दर तीन तरह का होता है, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन एंड टर्शियरी नाइट्रो एल्केन. अगर हम सबसे पहले प्राइमरी नाइट्रो एल्केन की बात करते हैं, तो इसमें जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो जिस कार्बन से अटैच होता है फर्दर एक कार्बन से अटैच होता है, रेस्ट जो होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं. दिस इज प्राइमरी. अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की, तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन में नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है फर्दर दो कार्बन से अटैच होता है, रेस्ट हाइड्रोजन से. सो दिस इज सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन. इफ वी टॉक अबाउट टर्शियरी नाइट्रो एल्केन, तो नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर तीन और कार्बन एटम से अटैच होता है, दिस इज टर्शियरी राइट. सो दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज टर्शियरी. अब हम बात करते हैं नेफ रिएक्शन की. सो नेफ रिएक्शन में जो है वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स शो करते हैं, टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स नेफ रिएक्शन नहीं शो करते. रीजन इज कि हमने क्या कहा था कि फर्स्ट स्टेप में हम बेस यूज करेंगे, और बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना. तो यहाँ पे इन दो में, प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोटोन्स जो है वो इन्वॉल्व है, टर्शियरी में कोई प्रोटोन नहीं, इस वजह से टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स रिएक्शन नहीं शो करते. अब हम बात करते हैं प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स की. सो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स हमें आफ्टर नेफ रिएक्शन जो है वो हमें एल्डिहाइड्स फॉर्म करके देते हैं, और जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स है वो आफ्टर नेफ रिएक्शन हमें कीटोन्स की फॉर्मेशन करते हैं, और टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स तो रिएक्शन ही नहीं करते. नाउ अब हम इसके एक रिएक्शन की बात करते हैं. सपोज मेरे पास एक नाइट्रो एल्केन है जिसमें एक सब्सट्रेट इथाइल है और बाकी जो है वो हाइड्रोजन है. इसमें मैं क्या करूंगी, फर्स्ट स्टेप में मैं बेस ऐड करूंगी, सपोज मैंने ऐड किया NaOH. सेकेंड स्टेप में मैं एसिड ऐड करूंगी, विच इज सपोज H2SO4 राइट. सो यहाँ पे जो ये नाइट्रो एल्केन है दिस इज प्राइमरी नाइट्रो एल्केन. अब यहाँ पे हमें पता चल गया रिएजेंट से और रिएक्टेंट से दिस इज गोइंग टू बी अ नेफ रिएक्शन. नेफ रिएक्शन मीन्स यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, सिंस प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है तो एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होगी, विच विल बी दिस वन राइट. सो ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की, सपोज हमने बात की NO2 इथाइल एंड हाइड्रोजन, दिस इज 2° नाइट्रो एल्केन. इस 2° नाइट्रो एल्केन में अगर हम फर्स्ट स्टेप में बेस ऐड करेंगे, सपोज मैंने बेस कोई भी ऐड किया, LDA सपोज बेस ऐड कर दिया, सेकंड स्टेप में हम एसिड ऐड करेंगे, नाउ दिस एसिड कैन आल्सो बी एनीथिंग, सपोज H2SO4 ऐड कर दिया. सो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, सिंस ये 2° नाइट्रो एल्केन है तो हमें मिलेगा यहाँ से कीटोन राइट. सो दिस इज कीटोन. तो हमें कीटोन मिला 2° नाइट्रो एल्केन से, और टर्शियरी नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन शो नहीं करती. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म. अब इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हैं. तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सपोज यहाँ पे मेरे पास R1 R2 दो ग्रुप्स हैं, एक जो है वो हाइड्रोजन है और इस पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, विच इज समथिंग लाइक दिस राइट. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप में हम बेस ऐड करेंगे विच इज OH-, और बेस का काम होता है इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना. तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, और ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने पास ले लेगा. सो हमारे पास बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड NO-, ओ नेगेटिव एंड N पे होगा पॉजिटिव चार्ज राइट. नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था हम एसिड ऐड करेंगे, तो ये O नेगेटिव जो है वो इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म करके देगा, डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव इज एज इट इज, O नेगेटिव और यहाँ पे आएगा OH.
नेक्स्ट स्टेप में फिर से एसिड अटैक करेगा और ये ओ नेगेटिव, इस बार ये वाला ओ नेगेटिव इस प्रोटोन पे अटैक करेगा और हमें बना के देगा सी आर वन आर टू, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव ओ एच और ओ एच, ये हमारे पास बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड करना है यहाँ पे वाटर। अब ये जो वाटर है, ये जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है और ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी आर वन आर टू और यहाँ पे होगा ओ एच एच और ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स ले, इसमें पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एन ओ एच एन ओ एच, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट नहीं करना चाहता तो यहाँ से प्रोटोन रिमूव हो जाएगा और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोटोन ट्रांसफर होगा विच इज समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे ओ एच आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ओ एच, दो ओ एच ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एक प्रोटोन इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी आर वन आर टू डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव की। अब फाइनल स्टेप में क्या होगा, बस हमें एक प्रोटोन को रिमूव करना है और ये हमें फॉर्मेशन देगा, यहाँ पे आएगा सी आर वन आर टू डबल बॉन्ड ओ, तो कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रो एल्केन, तो नाइट्रो एल्केन में हमने बेस ऐड किया फिर एसिड ऐड किया तो यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नेफ रिएक्शन, राइट। सो अगर हम बात करते हैं नेफ रिएक्शन की, तो नेफ रिएक्शन का एक तो यही तरीका है कि हम नाइट्रो एल्केन में फर्स्ट स्टेप में बेस ऐड करें, सेकंड स्टेप में एसिड ऐड करें तो हमें मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री है तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड और अगर नाइट्रो एल्केन 2 डिग्री है तो हमें मिलेगा कीटोन। नाउ ये एसिड और बेस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव की, तो नेफ रिएक्शन जो है वो TiCl3 और वाटर की प्रेजेंस में भी हो सकता है। TiCl3 और वाटर जो है वो सेम नेफ रिएक्शन करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है इस तरह का, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, इसमें मैंने TiCl3 और वाटर ऐड किया है, सो दिस इज ऑल्सो रिएजेंट जो कि नेफ रिएक्शन का काम करता है। तो नेफ रिएक्शन क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करता है, तो इसका भी यही काम होगा, ये नाइट्रो ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करेगी। सो दिस इज also alternative of nef reaction, right? So now this is all about nef reaction, जिसमें हमने क्या बात की कि carbonyl compounds के formation होती है nitro alkane से होती है, ये इसके reagents है, और अगर हम alternative की बात करें तो TiCl3 और water भी जो है वो nef reaction का काम करता है। So this is all about this. I hope आपको ये lecture समझ आया होगा। If you like our video then please subscribe to our channel. Thank you so much.